अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अली रज़ा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपनी इनकमिंग कॉल को ब्लॉक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लोग अगर अपना मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं नेट वगैरह, तो फिर आपको कोई कॉल ना कर सके, या फिर अगर आप लोग गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको कोई कॉल ना कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि हम अपना एरोप्लेन मोड ऑन कर देते हैं, उसमें यह होता है कि हमारे को कोई कॉल वगैरह नहीं कर सकता, ना हम किसी को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ इसी तरह का होने वाला है, लेकिन इसमें एक बात अलग होगी कि इसमें आप नेट वगैरह अपना यूज़ कर सकेंगे। हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप अपना नेट वगैरह यूज़ कर सकेंगे, आपकी कॉल्स वगैरह जो होंगी वो ब्लॉक होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपनी इनकमिंग कॉल को ब्लॉक करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन का डायल पैड कर लेना है ओपन। तो जैसे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन का डायल पैड ऑन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में 3 डॉट मिलेगा। आप लोगों ने सिंपली डायल पैड की सेटिंग्स में चले जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सेटिंग्स में आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर ढूंढना है कॉल फॉरवर्डिंग। पहले आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, आप लोगों ने सर्च कर लेना। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप लोग सैमसंग यूज़र हैं तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं सप्लीमेंट्री सर्विस। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास। इसी तरह आपने अपने थोड़े मोबाइल के अंदर सर्च कर लेना है, आपको कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर वॉइस कॉल पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सिंपली ऑलवेज फॉरवर्ड पे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने गुनगुन मार देना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको कोई कॉल ना कर सके, आप सुकून से अपना नेटवर्क या फिर गेम प्ले या फिर अगर आप जो कुछ करना चाहते हैं आप लोग सुकून से कर सकें, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर कुछ भी गन वगैरह मार देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली गन वगैरह मार देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने सिंपली इनेबल पर क्लिक कर लेना है। इससे ये होगा कि फ्रेंड्स अगर आपको अभी कोई भी कॉल करेगा, उसको सुनने को मिलेगा कि आपका जो मिलाया हुआ नंबर है वो किसी के इस्तेमाल में नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी मेरे को कॉल आ सकें इस सिम पे, या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने गेम वगैरह खेल लिए या फिर नेट वगैरह यूज़ कर लिया है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आके आप लोगों ने सिंपली अपना ओरिजिनल नंबर लगाने के बाद यहाँ पर इनेबल पर क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी जो कॉल होंगी वो फिर से आपके फ़ोन नंबर पर आना स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे फ्रेंड्स, अगर आपके घर में एक बंद सिम पड़ी हुई है, जैसा कि सबके घर में एक बंद सिम पड़ी हुई होती है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सिम उस बंद सिम का यहाँ पर आप लोगों ने नंबर लगा लेना है। इससे ये होगा कि उनको वहाँ पर सुनने को मिलेगा आपका फ़ोन नंबर इस वक्त बंद है। वैसे फ्रेंड्स, इस ट्रिक के बहुत से इस्तेमाल हो सकते हैं, आप इसका कुछ गलत इस्तेमाल ना करिएगा। अगर इधर आप लोग अपने फ्रेंड वगैरह का नंबर लगा लेते हैं, या फिर आप अपने फादर का, या फिर अगर आप लोग अपने ब्रदर का यहाँ पर नंबर लगा लेते हैं, तो फ्रेंड्स आपको कोई भी कॉल आएगी तो फॉरवर्ड होकर आपके ब्रदर के फ़ोन में चलेगी, या फिर अगर आप लोग अपने रिलेटिव या फिर किसी का भी अगर फ्रेंड वगैरह का यहाँ पर नंबर सेव करते हैं, तो फ्रेंड्स उसको ये कॉल चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस ट्रिक का कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जितना भी बोलता रहूँ, आपने करना ही तो अपनी ही है। तो फ्रेंड्स, इसकी एक और भी ट्रिक है कि अगर आप लोग न्यू सिम लेते हैं, आप लोग अपनी न्यू सिम का फ़ोन नंबर यहाँ पर लगा लेते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपको आपकी ओल्ड सिम पे कोई भी कॉल वगैरह आएगी तो वो फॉरवर्ड होके आपकी न्यू सिम पे चली जाएगी। अगर आप लोग इसको बंद भी कर देते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अब मेरी सिम बंद है तो अब मेरे नंबर वंबर चले गए या फिर मेरे को नंबर देने पड़ेंगे अब दोस्तों को। तो फ्रेंड्स, उससे ये होगा कि आपकी जो ओल्ड सिम पे कॉल्स वगैरह आएंगी वो फॉरवर्ड होके आपकी न्यू सिम पे आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अक्सर लोग इसी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे को पता नहीं आपको बातें समझ आ रही हैं नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वैसे आपको बातें तो समझ आ ही गई होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर नहीं आई तो आप लोग फिर से एक मरतबा वीडियो देख लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंडिया से, आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा, वैसे तो हर एक मोबाइल में आता है और हर एक सिम में ये ऑप्शन आता है, अगर नहीं आ रहा एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप लोगों ने सिंपली अपनी सिम की हेल्पलाइन पर फ़ोन करके उनको कह देना है कि आप लोग हमारी फॉरवर्ड कॉलिंग की जो ऑप्शन है वो कर दें ऑन। तो फ्रेंड्स, उससे ये होगा कि आपका फॉरवर्ड ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोग इन सब ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तो आपने ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।